सुजानपुर के साथ लगते गांव पंजोर में पुलिस प्रशासन की ओर से सुजानपुर पुलिस थाना प्रभारी अनिल पवार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीपी हरपाल सिंह, डीएसपी राजेंद्र मंडल। बैठक में स्थानीय गांव के साथ लगते अन्य गांव के समूह सरपंचों ने भी भाग लिया। जिस दौरान एसपीडी हरपाल सिंह व थाना प्रभारी अनिल पवार ने संयुक्त रूप से बताया कि उनकी ओर से आज सरपंचों के साथ बैठक करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि उनके घरों में कोई किराएदार आता है तो उसकी सूचना पहले पुलिस को दें। गांव में कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है या कहीं पर भी दिखे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। इसके लिए पुलिस की ओर से फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये असी ना जी सारे एसएसपी साहब पठानकोट सर हरप्रीत सिंह खाक जी वालों ये सानू सारे डिस्ट्रिक्ट सारे ऑफिसर दियां ड्यूटियां लगाइया सी जो असी पिंडां दे विच जा के सारे ऑफिसर पब्लिक दे नाल मीटिंगां कर रहे हैं, पब्लिक नाल मीटिंग करके पब्लिक नूं अवेयर कर रहे हैं। बहुत सारिया लोग जिहड़े आ अफवाहां चल रही जी फलाने पिंड बंदे पै गए, वो अगले पिंड च रौला पै गया, उस तों अगे पै गए, वो ये सारे बारे सारे पिंडां नूं असी अवेयर कर रहे हैं अते जिहड़े पिंडां च ठीकरी पहरे लग रहे उन्हां नूं ब्रीफ किया जा रहा कि उन्हां दे विच जे नौजवान आ उन्हां दे नाल सियाने आदमी भी जिहड़े पहरे दित्ते होने चाहिए आ, अते जे कोई किसी तरह की इनफॉर्मेशन आउंदी आ ते उहदी जिहड़ी तलाह वा उह सानूं पुलिस नूं देण बजाए कि कानून नूं हत्थ च लै के जां उदां ही लाला लाला करके जिहड़ी अफवाहां वा उह सोशल मीडिया दे उत्ते अफवाह देण फैला देण भी लोगों के जिहड़ा वा दहशत का माहौल पैदा हो जाए। इस करके असीं लोगों के नाल मीटिंगां करके लोगों दीआं दुख तकलीफां सुन रहे हाँ। ये लोग सारे ने साडे नाल बह के इस पिंड च आए हैं, पहला भी 3-4 पिंडां दे विच असीं मीटिंगां करके आए हैं ते वो सारे पिंड ने साडे नाल सहमति प्रगटाई आ अते ये जिहड़े आ ये ठीकरी पैरा लग रहा पिंड दे विच इन्हां ने सानूं दस्सिया वा भी ये बिल्कुल जिहड़ा पिंड दे विच पैरा ला के ते जो भी कोई इनफॉर्मेशन गएगा पुलिस नूं देणगे। पिंडां च मेन समस्या इहो आ कि जो पिंड वाले ने किसी ने कोई वेख्या तो हुंदा नहीं, वह पिछों आई आवाज़ जी फलाने पिंड 5 बंदे वेखे, वो अगले ने उरू अगले पिंड नूं कह दिता, उसके अगले पिंड च कह दिता, तो जो तो जाके तय तक पहुँची दा तो पता लगता भी वेख्या किसी ने भी कुछ नहीं। इस करके ये करके थोड़ा जिहा लोगों नूं जिहड़ा अवेयर कर रहे हैं कि एवें कोई आ के किसी नजायज़ कोई शरीफ आदमी कोई कारखाने तो ड्यूटी करके आउंदा आ, कोई रात नूं आर्मी वाला फौजी अपने छुट्टी ते आ रहा होवे रात नूं तो ना होवे कोई किसी नूं घेर के कोई सट पेट ला दे। ये सारे बारे इन्हां नूं ब्रीफ किया कि तुहानूं किसे तरह की कोई इनफॉर्मेशन आउंदी आ ते वो सानूं तलाह दिओ ते जिहड़े लोग लेबर जां बाहरों कोई बागों के होर कोई आ जां झुग्गी झोंपड़ी वाले जे तुहाडे एरिया च कितें हैगे आ तो उन्हां सारिआं दी सानूं दस के वेरीफिकेशन कराओ। सर अज तों पहले भी जिद्दां पुलिस प्रशासन बार बार लोगों को अवेयर करती आई है कि कोई किराएदार है उहदी इनफॉर्मेशन भी थाने दी जाए तो इस तरह कई भईए जिहड़े आ बाहरों आके इत्थे रहिंदे पए आ जिन्हां की वेरीफिकेशन नहीं हुई उहदे बारे की कीता जाए? नहीं जी वो सारे असीं करवा रहे हैं, उहदे च कई आ भी कई तो बहुत सारे बंदे जिहड़े आ कम करन वाले जिहड़े पक्के बंदे ने वो कई सालों तो कम करते हैं, उन्होंने परिवारों वांगू उन्हां दीआं वोटां भी बनियां ने लेकिन कई रहे ने। कई इहो जिहे जिद्दां कि अज रात जां 2-4 दिन पहलां कोई आ के झुग्गी पाली झोंपड़ी पाली खाली जगह वेख के उन्हां बारे सारे इन्हां नूं अवेयर कर दिता कि उहदी तुसीं सानूं तलाह दिओ। साडे SHO साहिबां नूं सारे नूं SSP साहिब वल्लों ब्रीफ कर दिता गया, मानयोग DGP।